गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, संस्कार भारती पीजी कॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकंड का इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु और विषय का अर्थ और विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे। विषय वस्तु के विषय वस्तु क्या है, इनका हम अध्ययन करेंगे, मीनिंग देखेंगे, इसका मीनिंग क्या है क्या नहीं है। देखो, 1776 में एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स की शुरुआत की थी, इसीलिए इसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, बोलते हैं इनको, एडम स्मिथ को। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1776 में इकोनॉमिक्स की शुरुआत की थी। क्या की थी? इकोनॉमिक की शुरुआत की थी। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने इकोनॉमिक्स को सिस्टमेटिक तरीके से रखा, इसीलिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि पहले व्यक्ति थे जिसने अर्थशास्त्र में बताया था, इनसे पहले बहुत सारे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति ने पहली बार सिस्टमेटिक तरीके से इकोनॉमिक्स के बारे में बताया, इसीलिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। इनकी फेमस रचना है वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में पब्लिश हुई थी। इस बुक के बाद ही इन्होंने इकोनॉमिक्स को सब्जेक्ट कहा और इसे आगे की बात कही। लेकिन इस कहने के बाद इकोनॉमिक्स एक जॉइंट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाने लगा, लेकिन 1933 में रैगनर फिश, कौन सा फिश? रैगनर फिश ने इस इकोनॉमिक्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? टू पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है अधिकतर कि 1933 में इकोनॉमिक्स को टू पार्ट्स में किसने डिवाइड किया था, तो आपका आंसर होना चाहिए रैगनर फिश। या ऐसे पूछ सकते हैं कि रैगनर फिश ने इकोनॉमिक्स को टू पार्ट्स में कब डिवाइड किया था, 1933 में। कौन कौन से थे? मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और इसे समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इन्होंने इस बात को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। इन्होंने कहा था इकोनॉमिक्स बड़ा सारा सब्जेक्ट है, ये दो पार्ट्स में होना चाहिए, तो उन्होंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। इन्होंने कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत उद्योग, व्यक्तिगत उत्पादक, व्यक्तिगत उपभोग का अध्ययन करते हैं, अर्थात अर्थशास्त्र के वह आर्थिक विश्लेषण जिनका संबंध व्यक्तिगत होता है, उनका अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में ये कहा कि समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन एक इकाई के रूप में किया जाता है,
यानी कि अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें संपूर्ण इकाइयों को मिलाकर एक विषय के रूप में अध्ययन करें, उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कुल उत्पादन, कुल रोजगार, कुल बेरोजगारी, कुल मुद्रास्फीति, यानी कि जिनके आगे भी कुल लगा हुआ है, उनका संबंध हमारे सीधा सीधा सा है समष्टि अर्थशास्त्र से है, और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ मतलब और विषय वस्तु पढ़े तो उससे पहले मैं तो देख ली दोबारा से आगे चलता है। देखो समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ विषय वस्तु, समष्टि अर्थशास्त्र से पहले हम इकोनॉमिक्स समझते हैं। 1776 में एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स की शुरुआत की थी, और इसे सिस्टमेटिक तरीके से रखा, इसीलिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और 1933 में, 1933 में मिस्टर वैगनर फ्रिश ने इकोनॉमिक्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? टू पार्ट्स में, फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो को हिंदी बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, और मैक्रो को बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। याद रखना 1933 में वैगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा है, पहला माइक्रो, दूसरा मैक्रो, यानी कि पहला है व्यष्टि, दूसरा है समष्टि, इस प्रकार से इनको बांटता है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसमें किसी व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत उद्योग, व्यक्तिगत फर्म का अध्ययन करते हैं, अर्थात अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें हम किसी व्यक्ति, इकाई, उद्योग का अध्ययन करें, उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र जिसमें संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन एक इकाई के रूप में करें, उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अब आगे देखते हैं डिटेल से, वन बाय वन। 1776 में एडम स्मिथ ने बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन ये एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई बुक थी। हाँ जी, देखो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स वाले ने हमें बता दिया कि ये इको प्लस नॉमी से बना हुआ है, इको का मतलब होता है धन, नॉमी और उनका साहित्य ज्ञान, है ना। तो मैक्रो, ये मैक्रो मैक्रोस से बना हुआ है, किससे बना हुआ है? मैक्रो से बना हुआ, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो शब्द है, ये मैक्रो से बना हुआ, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का, ग्रीक भाषा का शब्द है, भाषा, भाषा का मैक्रो से बना हुआ है। मैक्रो का मतलब था बड़ा या समग्र, बड़ा या समग्र, समग्र। जबकि माइक्रो शब्द माइक्रो से बना हुआ है, किससे बना हुआ है? माइक्रो से, इसका मतलब है छोटा, छोटा। ये मैक्रो से बताया, मैक्रो शब्द मैक्रो से बना हुआ है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब है बड़ा, और माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट का मतलब होता छोटा। ये इन्होंने की बात करते हैं। अब बात करते हैं क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स की, ये अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र की वह शाखा है, शाखा है जिसमें जिसमें संपूर्ण जिसमें जिसमें संपूर्ण उद्योग को उत्पादन को उपभोग को आय
का एक इकाई के रूप में अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र सॉरी माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण उद्योग उत्पादन उपभोग आय का एक अध्ययन के रूप में अध्ययन करते हैं। अर्थात इसमें हम एक व्यक्तिगत आय व्यक्तिगत इकाई व्यक्तिगत उद्योग की बात नहीं करते, इसमें संपूर्ण आय संपूर्ण उत्पादन संपूर्ण व्यय का एक इकाई के रूप में अध्ययन करते हैं। जैसे हमारे देश के 29 राज्यों का एक इकाई के रूप में देश के रूप में कहना भारत के रूप में कहना ये समष्टिगत अध्ययन है। हमारे देश में 29 राज्य और 9 यूनाइटेड टेरिटरी है, इनको मिलाकर हमारा देश बनता है और जिसे हम एक नाम से बोलते हैं भारत, तो ये हमारा समष्टिगत अध्ययन है। जबकि 29 राज्यों में बांटकर अध्ययन करें तो हमारा ये व्यष्टिगत अध्ययन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें संपूर्ण उद्योग उत्पादन उपभोग आय का एक इकाई के रूप में अध्ययन करना ये समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें व्यक्तिगत इकाई व्यक्तिगत उद्योग व्यक्तिगत उपभोग का जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ये हमारे पास सामान्य जानकारी थी, आगे बढ़ने से पहले एक बार इसको वापस रिकैप कर लेते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स टू पार्ट में डिवाइड है और यह रैंकन फ्रेश ने दिया था, हमने पहले भी बात की रैंकन फ्रेश ने दिया था। और माइक्रो इकोनॉमिक्स सॉरी पहले बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये ग्रीक भाषा के मैक्रो से बना हुआ है, इसका मतलब होता है बड़ा या समग्र, बड़ा या समग्र, ठीक है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण उद्योग उत्पादन उपभोग व आय का एक इकाई के रूप में अध्ययन करते हैं, इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो माइक्रो शब्द है ये मैक्रो से बना हुआ है, किससे बना हुआ है माइक्रो से बना हुआ है माइक्रो से बना हुआ है जिसका मतलब होता है छोटा या सूक्ष्म। तो एक लाइन में मैं सिंपल शब्दों में वन लाइन में बात करूं तो अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें व्यक्तिगत इकाई व्यक्तिगत उद्योग व्यक्तिगत उपभोग का अध्ययन करें उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ये हमारे इनका सामाजिक परिचय था, अर्थ परिचय था। अब समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र देखते हैं, उससे पहले मैं 1929 की बात करता हूं। 1929 की एक टाइम पीरियड था 1929 जिसे उस समय 1929 में दुनिया में महामंदी का प्रवेश हुआ था। आप शायद इनका सामान्य अर्थ में इनका अर्थ जानते हैं लेकिन इनका एक्चुअल अर्थ नहीं जानते। आपसे कोई पूछे कि मंदी क्या है तो आप ये कहोगे कि जीडीपी का घटना या गिरावट होना, जबकि ये मंदी नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये महामंदी दो शब्दों से बल्कि मिलकर बना हुआ, जैसे पहला है मंदी एक अर्थव्यवस्था की एक अवस्था है, ये
अर्थव्यवस्था की एक अवस्था है। एक अवस्था है क्या है? एक अर्थव्यवस्था की एक अवस्था है। ये अर्थव्यवस्था क्या है? एक अवस्था है जिसमें जिसमें वस्तु व सेवाओं को खरीदार नहीं मिलते, बस यही मंदी है। मंदी एक अर्थव्यवस्था की वह स्थिति है जिसमें वस्तु सेवाओं को खरीदार नहीं मिलते हैं, उसे मंदी कहते हैं। ऐसी स्थिति संपूर्ण दुनिया में आ गई थी, इसलिए महामंदी कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? महामंदी कहते हैं। और ये 1929 में आई थी, इसीलिए इसे तीसा की मंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीसा की मंदी। तीसा की मंदी, तीसा की मंदी भी कहते हैं, तीसा की मंदी भी कहते हैं। अब इसका परिणाम क्या होता है या क्या प्रभाव होता है? इसका प्रभाव ये होता है कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट गिर जाता है, नेशनल इनकम गिर जाती है, बेरोजगारी बेरोजगारी बढ़ जाती है, मुद्रास्फीति गिर जाती है। ऐसे काफी इफेक्ट है तो शटडाउन होता है और जिनके कारण ऐसी स्थिति आ जाती है, उस ऐसी स्थिति पूरी दुनिया में आ जाती है, इसीलिए इसे महामंदी कहते हैं। इसका इफेक्ट कब? इस समस्या का समाधान 1936 में जब ये समस्या हुई, उस समस्या जब ये समस्या उत्पन्न हुई उस समय दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री इस समस्या का समाधान देने में असफल रहे। इनमें से प्रमुख व्यक्ति थे जेबी सिंह, जेबी सिंह ने एक आधा उस समय उनका एक अवधारणा थी, उनका एक कॉन्सेप्ट था कि आप अर्थव्यवस्था में उत्पादन करें रोजगार बढ़ेगा। इनका ही मानना था, इससे पहले ट्रेंड था और ये उस समय की परिस्थिति के हिसाब से सही था। लेकिन 1929 में ऐसी स्थिति आ गई कि महामंदी आ गई, महामंदी आ गई और इनका सिद्धांत फेल हो गया। उस समय दुनिया के टॉप इकोनॉमिस्ट को बुलाया गया, पूछा गया बड़े बड़े लोगों के द्वारा, अमेरिका ब्रिटेन देशों से डिस्कस किया गया और समाधान किया, लेकिन किसी के पास नहीं मिला। आखिरकार एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उनके एक मित्र थे, अर्थशास्त्री दोस्त थे, जिनका नाम था जे एस मिल। क्या नाम था? जे एम मिल, जॉन मेनार्ड किन्स। ये इनके दोस्त रहे। इनको प्रधानमंत्री ने बुला के पूछा, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने, मतलब ये समस्या आई है तो इसका समाधान बताओ। प्राइम मिनिस्टर उसको समझा रहा है, बोल रहा है कि भी सिंपल सी बात है, तो बोले उसे बताओ। तो ये कहता है कि आज नहीं कल हम बात करते हैं इसको। फिर बुलाता है तो वो बोलता है उसे कि इस मंदी का समाधान क्या है। तो प्रधानमंत्री से वो अर्थशास्त्र ये कहते हैं कि आप ज़्यादा ना सवाल जवाब नहीं करना, बस मैं जो बोलता हूँ आप उसको फॉलो करें और आपकी मंदी खत्म हो जाएगी। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने अपने दोस्त के कहने पर अमेरिका में सॉरी ब्रिटेन में 100,000 गड्ढे खुदवाए। कितने? 100,000 गड्ढे खुदवाए। जब इन्होंने गड्ढे खुदवाना शुरू किया था उस समय वहां का वो सबसे बड़ा अखबार है द टाइम, इनकी बड़ी आलोचना की
और काफी अच्छे शब्द कह रहे थे। इन्होंने कहा कि एक पागल अर्थशास्त्री कहने पर एक पागल प्रधानमंत्री, एक पागल अर्थशास्त्री कहने पर एक पागल प्रधानमंत्री गड्ढे में डुबा रहे। जब लोग जब देश की जनता भूखे मर रही हो तो वह रोजगार चला गया हो ठीक है की आलोचना की और विधि का प्रधानमंत्री को दूर चुप रहे कुछ बोले नहीं। लेकिन ऐसा कहते हैं समय आता है बदलता है और सब कुछ इसी बदलता है। हुआ भी कि पिछले एक वर्ष हमें बीतता गया, एक वर्ष हुआ जिस दिन 1 लाख गड्ढा पूरा हुआ उस दिन उस दिन ब्रिटेन से आर्थिक मंदी जा चुकी थी। लोग समझ नहीं पाए कि आर्थिक मंदी क्यों गई थी। सर आपको बड़ी हैरानी होगी कि आर्थिक मंदी कहीं चली गई कि जब लोग भूखे मर रहे थे तो सरकार गड्ढे को धुआ दिया अच्छा कर दिया। मुझे बताओ मनरेगा क्या है? गड्ढे को धुआ नहीं सोच रहा सरकार को उसको बंद कर देना चाहिए क्योंकि मंदी जो भी आई है। सही बात है। अब इसका समाधान ये है कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि मंदी ये अर्थव्यवस्था की अवस्था है जिससे वस्तु सेवाओं खरीदारी होती है। मंदी यही है जब सरकार गड्ढे को धुआती है तो मजदूर वर्ग को भुगतान करती है। क्या करती है? भुगतान करती है। भुगतान करने के परिणाम स्वरूप लोगों की जेब में पैसा आता है। जब लोगों की जेब में पैसा आता है लोगों के पास में पैसा आता है तो बाजार की ओर अपना करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप वस्तु खरीदते हैं और मार्केट को ना गति करना शुरू कर देता है। सरकार ने ऐसा ही किया और गति शुरू। जिन व्यक्तियों ने किंग्स को पागल अर्थशास्त्र कहा था उन्होंने आगे चलकर इसे अर्थशास्त्र के पिता का या अर्थशास्त्र भगवान का तब से लेकर 1930 के बारे में हम इसे समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जानते हैं। समष्टि के जनक याद रखना। इनकी एक बड़ी फेमस बुक थी द जनरल थ्योरी एंड माइग्रेट इंटरेस्ट एंड मनी। इनकी बड़ी फेमस बुक कौन सी थी? द जनरल थ्योरी। जनरल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी। देखो केन्स की बड़ी फेमस बुक थी द जनरल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इस बुक में इन्होंने बेरोजगारी हटाने के या मंदी हटाने का समाधान दिया। तब से लेकर आज तक हम इस जेएम केन्स को समष्टि अर्थशास्त्र के पिता के रूप में मानते हैं। ये हमारे समष्टि अर्थशास्त्र के पिता थे ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम छोटा सा रिकैप करते हैं। 1929 में महामंदी आई। मंदी एक अर्थव्यवस्था की व्यवस्था है जिसमें वस्तु सेवाओं को खरीदार नहीं मिलते। इस समस्या का समाधान जेएम केन्स ने 1936 में अपनी बुक द जनरल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट मनी में दिया था। ये इस बुक का प्रकाशन 1936 में था। 1936 में इसका ये पब्लिश हुई थी। इस बुक में इसका सॉल्यूशन दिया गया था। अब मंदी में होता क्या है? जीडीपी गिर जाती है, नेशनल इनकम बढ़ जाती है, बेरोजगारी इंक्रीज हो जाती है, मुद्रास्फीति गिर जाती है या डिक्लाइन हो जाती है। मैं जब भी ये साइन ऊपर की ओर करूं उसका मतलब बढ़ना, जब भी मैं नीचे करूं उसका मतलब नीचे गिरना। तो ऐसा स्थिति में हुआ। इसका समाधान केन्स कहते हैं। इसीलिए समष्टि अर्थशास्त्र के जनक केन्स को बोलते हैं। इसको बोलते हैं केन्स को कहते हैं। केन्स जेम केन्स फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। हाँ जी ये हमने बात की थी। अब इसके क्षेत्र की बात करते हैं। इसका क्षेत्र
या स्कोप, समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। हाँ जी, समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की अर्थशास्त्र के वह आर्थिक विश्लेषण जिसमें संपूर्ण इकाई का संपूर्ण इकाई संपूर्ण उद्योग का इकाई रूप में अध्ययन करते हैं। इसका पहला क्षेत्र है राष्ट्रीय आय का अध्ययन। राष्ट्रीय आय का अध्ययन यह हमारा समस्या अर्थशास्त्र का पहला विषय होगा। इसमें जो राष्ट्रीय आय संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट है उनके हम स्टडी करेंगे डीपली। राष्ट्रीय आय क्या है, क्या नहीं है, इसमें होने वाली इसके कॉन्सेप्ट कौन कौन से है और हमारे देश में कौन से कॉन्सेप्ट में हम काम करते हैं, कौन से नहीं। दूसरा है रोजगार सिद्धांत। कौन सिद्धांत? रोजगार सिद्धांत। ये हमारे समष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा विषय क्षेत्र है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है मुद्रा सिद्धांत। मुद्रा सिद्धांत और चौथा आर्थिक विकास का सिद्धांत। आर्थिक विकास का सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम इन तीन बिंदुओं का अध्ययन करते हैं, तीन चार बिंदुओं का अध्ययन करते हैं, संपूर्ण राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं, यानी कि राष्ट्रीय आय की संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है उनकी स्टडी करेंगे पूरे साल भर। दूसरा हम रोजगार सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर थ्योरी पढ़ेंगे, जे बी सी थ्योरी पढ़ेंगे और जो जुड़ी हुई संपूर्ण थ्योरी है थ्योरीज है उन सबका हम स्टडी करेंगे इसका, और नई थ्योरी पुरानी थ्योरी से अगेंस्ट क्यों है, किस प्रकार से है, इन सबके बारे में पढ़ेंगे। आगे मुद्रा का सिद्धांत, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, क्वांटिटी थ्योरी पढ़ेंगे हम, नकद बकाया दृष्टिकोण पढ़ेंगे और नकद लेन देन दृष्टिकोण पढ़ेंगे, सारे दृष्टिकोण पढ़ेंगे, मुद्रा की मांग कारण पूर्ति परिणाम समय से पढ़ेंगे। तीसरा है ये आर्थिक विकास सिद्धांत, कैसे कौन सी थ्योरी है जो डेवलपमेंट को बढ़ाता है, इसमें जैसे निवेश सिद्धांत, मुद्रा की सीमांत पूर्ति सिद्धांत, ये सब के बारे में हम इन्हें अध्ययन करेंगे, डिटेल से स्टडी करेंगे इसे। तो ये हमारी अध्ययन क्षेत्र है समष्टि अर्थशास्त्र का। एक बार आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, समष्टि विरोधाभास ये अपना अगला अध्ययन बिंदु है। समष्टि विरोधाभास के संबंध में टैगोर सिखेलो पे नो सिखेलो ने माने दी। समष्टि विरोधाभास अर्थशास्त्र के वे आर्थिक कानून व नियम जो व्यक्तिगत रूप से तो सही साबित होते हैं लेकिन संपूर्ण रूप से किया जाए तो गलत साबित होते हैं, अर्थात अर्थशास्त्र के वे सभी सिद्धांत व कानून समष्टि विरोधाभास से पढ़ते हैं जो व्यक्तिगत रूप से तो सही हो लेकिन समष्टिगत रूप से सही नहीं हो। जैसे एक व्यक्ति के लिए बचत करना 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 अच्छी आदत है, अच्छी आदत है, लेकिन अगर संपूर्ण देश एक साथ बचत करे तो ये देश के लिए हानिकारक है। जैसे एक व्यक्ति के द्वारा बिजली की चोरी करना तो कोई बड़ी हानि नहीं देती, लेकिन अगर संपूर्ण लोग संपूर्ण व्यक्ति अगर बिजली की चोरी करना शुरू कर दे तो अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान होगा। जैसे पैसा जमा कराना व्यक्तिगत रूप से अच्छी बात है, लेकिन अगर संपूर्ण व्यक्ति
बैंकों पैसे जमा करवाने शुरू कर दे तो आर्थिक मंदी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। एक व्यक्ति के द्वारा उधार लेकर निवेश करना अच्छा होता है, लेकिन अगर सभी व्यक्ति ऐसा करना शुरू कर दें तो बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये इसके बारे में कुछ समष्टि विरोधाभास थे, यानी कि वह सिद्धांत जो व्यक्तिगत रूप से तो सफल होते हैं लेकिन सामूहिक दृष्टि से या समष्टि दृष्टिकोण पर देखते हैं तो वो गलत साबित होते हैं। इसे ही समष्टि विरोधाभास कहते हैं, इसे समष्टि चोर सिद्धांत भी कहते हैं। समष्टि चोर सिद्धांत है। एक उदाहरण दे दो, बड़ा फेमस उदाहरण है। हमारे सर बोलते थे कि वो जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो उनका एक हादसा होता था कि एक जिस कॉलोनी में रहते थे वहां पे चोर आया करते थे। तो एक दिन सबसे जब चोर आया थे तो उन्होंने कॉलोनी वाले मिल क्या किया कि एक गार्ड को हायर कर लिया, उसको एक संपा में रख लिया गया और संपा की शर्त थी कि प्रत्येक परिवार 10 रुपए देगा। अब हुआ ये कि सब लोगों ने 10-10 रुपए दे दिया। जब वो श्रीमान से मिलने आए तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने जाकर मेरी घर के सामने सीटी मत बजाना। इसका प्रभाव क्या है कि अगर वो उसके घर के सामने सीटी बजाए या ना बजाए उसकी सुरक्षा होगी, क्यों? क्योंकि पड़ोसी की सुरक्षा करेगी, है ना। लेकिन उसके नहीं देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इसी प्रकार अगर कोई भी व्यक्ति पैसे नहीं चुकाएगा तो गार्ड को तनख्वाह मिलेगी। भाई एक व्यक्ति का नहीं देना कोई नुकसान नहीं, लेकिन सभी व्यक्तियों का नहीं देना एक बड़ा नुकसान है। तो कहने का मतलब ये है अर्थशास्त्र के वह सभी आर्थिक सिद्धांत जो व्यक्तिगत रूप से सही साबित होते हो और संपूर्ण पे सही साबित नहीं होते हो उसे समष्टि विरोधाभास कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो इसे ध्यान से देखें और उसको समझने की कोशिश करें। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।